एक और नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को लेकर आ गया हूं मैं इन दिस वीक्स ऑफ माय प्लेलिस्ट। मेरा नाम है विवेक फ्रॉम रेडियो ऑल 106.3 एफएम और आज मेरे साथ हैं दिस परफॉर्मर इंडिपेंडेंट कंपोजर प्रोड्यूसर फ्रॉम बंगाल विद अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम धी। वेलकम टू रेडियो ऑल। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद यू। सो धी, दैट्स योर स्टेज नेम, राइट? सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड योर नेम फर्स्ट, बिकॉज इट्स वेरी इंट्रीगिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सो बेसिकली इट वॉज अ नेम गिवन बाय माई नानाजी एंड इट मीन्स इट कम्स फ्रॉम अ संस्कृत नेम व्हिच मीन्स लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड एंड वेरी रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ऑल। And from childhood, I'm a, you know, kind of geeky person. So I took the name as a stage name. Okay, lovely, lovely. So firstly, we'll start with your music journey. How did it all begin? So पहले मैं I didn't मतलब 12th के बाद भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि I'll join music as my like you know pursue मतलब उसको pursue करूँगा क्या नहीं करूँगा। I was very into computers. Okay. And so मैंने सोचा कि okay, let's do something which is related to computer. And मेरे family में everyone was musician, so music is a you know very overrated thing in my family. Okay. That's why I didn't wanted to this as my career option. Oh, मेरे पापा ने बोले कि okay ठीक है, music is not a very stable job. Normal observation by Indian family. Yes. तो उन लोगों ने बोले कि ठीक है, तो एक काम करो, you took the medical thing, any kind of thing which is related to medical. पैथोलॉजी का डिग्री किया, आई डिड द ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मैंने जॉब किया, मुझे लगा कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड म्यूजिक तो चल रहा था एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन म्यूजिक के साइड बाई साइड। आई मतलब मुझे एक बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि आई कैनॉट स्टे विदाउट म्यूजिक। सो मैंने फाइनली ज्वाइन किया म्यूजिक स्कूल। वैसे हैं तो सो इन बंगाल आई यूज्ड टू हैड अ लाइक बैंड एंड वी यूज्ड टू परफॉर्म फोक सॉन्ग्स इन अ वेरी फ्यूजन वे। वी ट्राइड एवरीथिंग एंड यू नो वी लव टू प्ले अराउंड विद अदर जॉनर्स एज वेल विद अ फोक सॉन्ग। एंड फोक सॉन्ग इज वेरी, आई मीन वी कॉल इट बाउल, बंगाली फोक म्यूजिक। यस बाउल इज वेरी, आई मीन द मेन फोकस इन बाउल इज द मेलेडी, सिंपल मेलेडी, सिंपल कोरस and very much you know the message is on your face. It's okay. Not ki ha bahut baad pura chalega gaane ka bahut ja ghoom ke nahi. Ha okay. So how did you choose this genre of music, because I guess you call it electric pop jo abhi aapne recent track dala hai. So genre kaise aapne define kiya ki nahi is genre mein ko expertise dalna hai ya fir is genre ke sath mujhe explore karna hai? Basically as a music student हम लोगों को सब कुछ पढ़ाया जाता है। वी लर्न अ लॉट ऑफ जॉनर्स, जितने सारे जॉनर्स है, बट ये भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि डोंट पुट सॉन्ग्स इन अ बॉक्स, ये जॉनर इज लाइक मत करो। हाँ, मेरे दिमाग में एज ए सिंगर, एज ए सॉन्ग राइटर, आई फर्स्ट कम अप विथ मेलोडीज, वेदर इट कैन बी अ बेस लाइन, वेदर इट कैन बी अ यू नो कोरस ऑफ द सॉन्ग। फिर मैंने वो मेलोडी के लिए लेकर बिठाया DAW में, आई ट्राई टू प्ले इट ऑन गिटार, आई ट्राई टू प्ले इट ऑन पियानो, देन यू नो सडनली इट कम्स आउट कि उसको क्या चाहिए। That is a kid and you have to you know upbring it. So you're just exploring with all the kinds of music ki jo acha suit kare usi ke sath, let's go over it, right? This week's off my playlist song is this beautiful song with a lovely bass line and an amazing drop. It's called Dil Kahe Jo. Please take us through the track ki what does the track talk about and how did you go about it? Shayad the 2 mahine pehle main har din 2-3 melodies record karte jata hu. I mean it comes because you're always with your instrument, you are working for a client, you are working for another thing, or you are working on your assignments, so always there are melodies, harmonies and all. So ye melody bhi mujhe 2 mahine pehle aaya tha ki you know main kuch kar raha tha shayad about नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, आई हैव टू वर्क ऑन दिस, आई हैव टू यू नो मुझे करना है ये चीज, लोग कुछ भी कहेंगे बट आई हैव टू डू दिस। तो उस टाइम पे मुझे एक फ्रेज याद आया था कि दिल कहे जो हम करे वो। मैंने कहा ठीक है रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, ठीक है लेट्स कीप इट रिकॉर्ड। और हर दिन वो रिकॉर्ड चला के मैं उसके बाद यू नो एड अप करते जाता, मतलब DAW पे अभी मैंने नहीं बैठा था अभी भी, सो ऑन द वॉइस रिकॉर्ड ओनली मैं उसके ऊपर एड अप करता था, ओके दिस कैन बी वॉइस में तुम तोड़ो तब पता राम तुम तारा पम, सो दैट कैन बी अ बेस लाइन। Okay. तो उसके बाद लिरिक्स, जो मेरा लिरिसिस्ट है और जो मैं उसके साथ बहुत बात करता हूँ बिकॉज वी आर फ्रेंड्स इन अ वे, बट वो मेरे 3-5 साल बड़ा है, बट वी आर फ्रेंड्स इन दिस
एंटायर हाँ, हाँ. तो उसके साथ मैं बैठा, फिर हम लोगों ने बात की इसके ऊपर, तो उसने भी कहा कि ब्रो ये गाना यू नो ये तो मेरा है. मैंने कहा ये गाना मेरा है. उसने कहा कि ये गाना मेरा है. मैंने कहा सबका है ब्रो. तो देन हम लोगों ने बहुत टाइम बिताया इसके ऊपर एंड finally it's out. It talks about mainly how can a person can be manipulated by its environment and log kya bolte hai basically. और उसको लेकर हम लोग सोचते हैं, मतलब हर लोगों का एक थिंकिंग टाइम रहता है. मानो कि I'm a morning person, so मैं सुबह सुबह उठकर कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ कि ओके I'll do these things and मेरे साथ कल ये सब हुआ है, maybe I cannot repeat those mistakes today. Maybe वो कुछ भी हो सकता है, maybe brush करना or something, you know, something with the family, maybe some bad decisions. But ये जो एक टाइम रहता है उस टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि you know कि हम लोगों ने ये खराब कर दिया. And most of the time it happens from a third person or a second person. Okay. So that's why मैंने जो entire story लिया, गाने का दो portion है, जैसे A section and B section. तो A section में it talks about कि how you can be manipulated by the third person or a second person. And you know, और chorus में ये बोलता है, it's you know just don't care about it. Okay, okay. So before I let you go, if you could perform few lines for everyone who's listening right now. खुद से यूं डरता था, खुद की ना सुनता था, ऐसी कहानी मेरी थी. क्यों मैं ठहरता था गलियों में, खोता था कैसी नादानी मेरी थी. कल की ही थी वो बातें जो चलती है यू रहेगी. थम सी गई है जिंदगी, फिर से यू ना रुकेगी. पल से जो ली थी याद वो डसती ही यू रहेगी. नम सी है आंखें ये मगर जलती है यूं रहेंगी. दिल कहे जो हम करे वो चल दिए हम. मन झूमे नाचे गाए. दिल कहे जो हम करे वो चल दिए हम. मन झूमे नाचे गाए रे. Yeah. Lovely, lovely. That's amazing. So everyone who's watching right now, everyone who's listening right now, do check out this lovely track by Dhi called Dil Kahe Jo. Thank you so much, Dhi, for your time. It was lovely having you right here on Radio Alo 106.3 FM.